दैट डील विथ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम एंड द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसमें हर एक टर्म का मतलब समझते हैं। इम्यूनिटी किसे कहा जाता है? तो समझो, इम्यूनिटी इज द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन। स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन बोलने का मतलब ये है कि मान लो कि तुम्हारा एक बॉडी है, और बॉडी जब इन्वायरमेंट में फ्री है तो जो भी पैथोजन है वो तुम्हारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो उन इन्फेक्शियस डिजीज जो है या फिर इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, उससे बचने के का जो भी स्टेट है हमारे पास, वो स्टेट क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। और वो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है बाय द इम्यून सिस्टम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इम्यून सिस्टम ओनली ह्यूमंस में पाया जाता है क्या? नहीं, प्लांट्स सर फिर से एक में। बार इम्यूनिटी फिर से बताइए ना सर थोड़ा सा। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी इज ए स्टेट। स्टेट का मतलब एक क्या है, वहां पे हमारी बॉडी का एक क्षमता है ताकि हमारी बॉडी अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सके। इतना तक समझ में आ रहा है? जी तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे बॉडी की एक ऐसी दशा है जिसमें हमारा बॉडी अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीज से बचा सकता है। अब इम्यूनिटी प्रदान की जाती है बाय द इम्यून सिस्टम। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इम्यून सिस्टम ओनली और ओनली ह्यूमंस के पास होता है क्या? नहीं, नो सर इम्यून सिस्टम जो है वो तुम्हारे प्लांट में भी हो सकता है, बाकी दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें भी हो सकता है, और ह्यूमंस भी हो सकता है। लेकिन ये वाला जो कोर्स हम लोग पढ़ेंगे, इस कोर्स में मेनली जो भी इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है, और जब एक बार कोई एक पैथोजन बॉडी के अंदर आ गया, तो हमारी बॉडी किस किस टाइप के रिस्पॉन्स जनरेट करती है, उस रिस्पॉन्स को भी हम क्या करेंगे, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अब समझो, अब यहाँ पे तीन चीज तो हो गया, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम एंड इम्यून रिस्पॉन्स। अब जब से कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एक इम्यूनिटी के बारे में बार बार हम लोग सुन रहे हैं, वो है हर्ड इम्यूनिटी। अब इस हर्ड इम्यूनिटी को समझो, आसान से सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे किसको हर्ड इम्यूनिटी। मान लो कि अंबिकापुर में पूरा का पूरा पॉपुलेशन 1 लाख के आसपास मान लेते हैं। ठीक, अब समझो कि अगर कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, और स्प्रेड होते होते वो लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, अब ऐसा हो जाए कि अंबिकापुर के मैक्सिमम लोग इस कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट कर ले। सब लोग नहीं बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं। मान लो 1 लाख में 50,000 लोगों के पास इसकी इम्यूनिटी आ गई। ठीक, तो अब क्या होगा कि अब अगली बार अगर ये वायरस फिर से आता है, तो मैक्सिम चांस यह है कि जो 50,000 लोग हैं उनको इन्फेक्ट करेगा वायरस पहले आके। तो इन 50,000 के अंदर जैसे ही वायरस जाएगा, उनके बॉडी के अंदर उसको मार दिया जाएगा। तो इससे ये होगा कि जो बाकी बचे हुए 50,000 लोग हैं उनके पास इन्फेक्शन नहीं पहुंच पाएगा। इसे ही क्या कहा जाएगा? हर्ड इम्यूनिटी कहा जाएगा। इतना तक समझ में आ रहा है? एक बार जी सबके सब अपना माइक ऑन कर लो, जी सर जी सर माइक ऑन कर लो। इतना यस चीज तक सर सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर यस जी सर ठीक, जब इतना चीज तक समझ में आ रहा है, तो हर्ड इम्यूनिटी के बाद आगे चीजें समझेंगे। जैसे ही हम आगे चलते हैं, आगे हम क्या देखते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको हम कई तरीके से, पहला बात तो तो वॉइस की हम, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वॉइस की प्रॉब्लम है। ठीक, क्या हो रहा है वॉइस में? क्लियर साउंड नहीं, नॉइज जा रहा है क्या बैकग्राउंड? बैकग्राउंड सर वो पंखा का आवाज आ रहा है, पंखा की स्पीड कम कर दीजिए। मेरे पंखा का नहीं होगा। किसके रूम में पंखा चल रहा है? या तो पंखा बंद कर लो या फिर माइक को म्यूट पे लगा लो फिर से। ठीक, चलो स्टार्ट करें। अब जी समझो कि सर जब हम लोग इम्यूनिटी को पढ़ते हैं, तो इम्यूनिटी को हम लोग कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विच इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी।
अब इसका मतलब समझो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। टर्म में ही सब कुछ रखा हुआ है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब सेल के द्वारा प्रदान किए जाने वाला इम्यूनिटी। तो ऐसी इम्यूनिटी जो कि स्पेसिफिक सेल्स के द्वारा प्रदान की जाएगी, इसे ही क्या कहा जाएगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाएगा। अब जब हम लोग फ्यूचर में और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट सर, करेंगे। स्क्रीन शेयर नहीं ऑन है क्या? सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर तो ऑन है, अब शो हो रहा है? नो सर। सर स्क्रीन तो दिख रही है बट बहुत छोटी सी दिख रही है। हाँ 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 ठीक है, अब दिख रहा है? नो सर। सर जी दिख रहा है सर, लेकिन हाँ जी सर अभी अब जी अभी दिख रहा है सर पूरा साफ साफ। नो जी सर नहीं अभी दिख रहा है। इसको किसको नहीं दिख रहा है? सिर्फ सर आपके साइड पे दिख रहा है, पूरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। मोबाइल को रोटेट करो, ओके सर। रोटेट करके रखो, मोबाइल को रोटेट करके रखोगे तब दिखेगा ये चीज। रोटेशन ऑन कर लो ना जी। ठीक, तो मोबाइल को रोटेट करके रखो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब समझ जाओगे, यूट्यूब जैसे देखते हो। ठीक हो गया सबका? यस हॉरिजॉन्टल सबको दिख रहा है स्क्रीन? जी सर। ठीक, अब इतना तक समझ में आ गया। इम्यूनोलॉजी किसको बोलेंगे हम लोग ये समझ में आ गया है। इम्यूनिटी किसे जी कहा जाएगा ये समझ में आ गया। हर्ड इम्यूनिटी किसे कहा जी जाएगा ये समझ में आ गया। अब जी क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन में हम लोग पहला टाइप का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। उसमें हम पहला डिस्कस कर रहे हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसे कहा जाएगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ऐसी इम्यूनिटी जो कि स्पेसिफिक सेल्स के द्वारा प्रदान की जाए। और जब हम लोग फ्यूचर में आगे पूरा का पूरा इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो कौन से सेल्स के द्वारा प्रदान की जाती है? टी सेल्स के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक, और जब हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात करें तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है वो बॉडी ह्यूमोरस के द्वारा प्रदान की जाती है। अब ह्यूमोरस किसे कहा जाता है? तो जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स मतलब मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, तो जो इम्यूनिटी ब्लड के द्वारा और बाकी बचे हुए फ्लूइड्स के द्वारा प्रदान की जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा जाएगा। अब बॉडी फ्लूइड्स को ही ह्यूमोरस कहा जाता है, तो इसी वर्ड से निकल के आया हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक, अब ये जो फ्लूइड्स है वो कैसे इम्यूनिटी प्रदान करते हैं? तो जो फ्लूइड्स होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। और ये एंटीबॉडी कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी क्या कहलाएगी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी, या फिर बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर इसी को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है। ठीक, अब जब एंटीबॉडी की बात आ गई तो ये भी समझना पड़ेगा कि एंटीबॉडी हम निकालेंगे कहाँ से। तो ब्लड में एक फ्रैक्शन होता है जिसे कहा जाता है सीरम। अब सीरम कैसे आइसोलेट करना है ये समझो। तो मान लो मुझे सीरम आइसोलेट करना है, तो मैंने क्या किया, किसी एक पेशेंट से ब्लड कलेक्ट कर लिया। ठीक है, उस ब्लड को जब मैंने सेंट्रीफ्यूज किया तो जितने भी सेल्स होंगे वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक, ऊपर में क्या बचेगा? एक लिक्विड पार्ट बचेगा। उस लिक्विड पार्ट को हमने क्या कर लिया, एक अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जैसे ही हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो उसमें कुछ प्रोटीन्स पाया जाता है जिन्हें कहा जाता है क्लोटिंग फैक्टर। वो क्लोटिंग फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज हो जाएंगे और क्लॉट हो जाएंगे। क्लॉट होने के बाद वो नीचे की तरफ जमा हो जाएंगे। जमा होने के बाद फिर ऊपर में क्या होगा, एक येलो कलर का, हल्के येलो कलर का क्या बचेगा, एक लिक्विड बचेगा जिसको क्या कहा जाएगा, सीरम कहा जाएगा। तो इसी को हम लोग एक सिंपल से फॉर्मूला में लिख सकते हैं कि अगर हम ब्लड में से सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर को क्या कर दें, रिमूव कर दें,
तो जो येलो कलर का लिक्विड पोर्शन बचता है उसे ही क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। और इस सीरम में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, सॉल्ट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं प्रोटीन में एक प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है गामा ग्लोब्यूलिन। पहले इसे गामा ग्लोब्यूलिन कहा जाता था, अब इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है। और यही इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है वो एंटीबॉडीज है। समझ में आ रहा है? मींस एंटीबॉडीज क्या है, यहां से हमको ये समझ में आ गया कि ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन्स जो कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहलाएंगे, ठीक है। इन्हें, इन्हीं प्रोटीन को क्या कहा जाएगा, एंटीबॉडीज कहा जाएगा। एक और टर्म हम लोग सुन रहे हैं आजकल, विच इज एंटी सीरम। एंटी सीरम किसे कहा जाता है, तो मान लो कि मुझे एक वायरस से इन्फेक्शन हुआ। जब मुझे वायरस से इन्फेक्शन हुआ तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी, और ये एंटीबॉडी मिलेगा मेरे सीरम में। तो जब मैं अपना सीरम निकाल दूंगा जिसके अंदर वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उस वायरस के अगेंस्ट में, तो उसे कहा जाएगा एंटी सीरम, ठीक है। इतना तक समझ में आ रहा है? जब इतना तक समझ में आ रहा है तो अभी तक तुम दो चीज डिफ्रेंशिएट कर लिए कि पहला बात सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है। उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं, एक टर्म आया विच इज एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज हैं क्या, तो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो हैं वो मिलके बने हुए होते हैं चार सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन के। इस सब यूनिट में दो सब यूनिट जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और दो सब यूनिट जो होती हैं वो छोटी होती हैं। जो बड़ी सब यूनिट होती है उन्हें हैवी चेन्स कहा जाता है, और जो छोटी सब यूनिट्स होती है उन्हें लाइट चेन्स कहा जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो क्या दिखेगा कि यहाँ पे ये जो दो बड़े बड़े चेन्स दिख रहे हैं दे आर हैवी चेन्स, और यहाँ पे जो दो छोटे छोटे चेन्स दिख रहे हैं दे आर लाइट चेन्स, ठीक है। तो जो हमारा एंटीबॉडी है वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है जो टोटल चार सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दो हैवी चेन्स हैं दो लाइट चेन्स हैं। और ये प्रोटीन क्या कर सकते हैं, किसी एक एंटीजन को पहचान सकते हैं, और पहचानने के बाद उस एंटीजन को बॉडी से क्लियर करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब एंटीजन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है एपिटोप, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये है वो वायरस जो कि किसी के बॉडी के अंदर इंटर हुआ, ठीक। और इस वायरस के ऊपर क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स हो सकते हैं या फिर सुगर हो सकते हैं। और जो हमारा एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी आके इन्हीं सुगर्स को क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो एंटीजन के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, और वही स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, हमारे एपिटोप्स कहलाते हैं, ठीक है। अब समझो कि जो हमारा एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में बी सेल्स के द्वारा। लेकिन जो बी सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंडेड अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जब बी सेल मैच्योर हो जाता है तो बी सेल के मैच्योरेशन के बाद प्लाज्मा सेल बनता है, और ये प्लाज्मा सेल्स क्या कर सकता है, एंटीबॉडी को सिक्रीट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक टर्म आया था एंटीजन। अब इस एंटीजन का मतलब समझो, तो एंटीजन क्या होते हैं, तो एंटीजन कोई भी ऐसा फॉरेन मॉलिक्यूल्स हो सकता है जो कि एंटीबॉडी के साथ स्पेसिफिकली बाइंड कर सकता है, या फिर टी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनके ऊपर बाइंड किया जा कर सकता है। मींस एंटीजन कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है या फिर टी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है। इसी एंटीजन को ही क्या कहा जाता है, कभी कभी इम्यूनोजेंस भी कहा जाता है, लेकिन दोनों टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर कॉपी पकड़े हो तो ये डिफरेंस लिख लो कि एंटीजन और इम्यूनोजन में डिफरेंस क्या है, लिखें। तो समझो एंटीजन क्या है, हम लोग बोल रहे हैं कि एंटीजन ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि बॉडी में एंटीबॉडी के द्वारा या फिर टी सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर सकता है।
या फिर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि एंटीजन कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि बॉडी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। सही है गलत है? ठीक जी सही है। अब एंटीजन तो वो हो गया जो हमारी बॉडी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अब बॉडी में जब वो रिकॉग्नाइज किया गया तो वो क्या कर सकता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है। अगर ये एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है तब इसे कहा जाएगा इम्यूनोजन। तो एंटीजन और इम्यूनोजन में क्या अंतर हुआ कि एंटीजन बॉडी में रिकॉग्नाइज तो हो जाएगा लेकिन ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन इम्यूनोजन किन्हें कहा जाएगा, इम्यूनोजन एंटीजन ही है लेकिन ये हमेशा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। समझ में आ गया? अब एक और टर्म आया था यहाँ पे एपिटोप। एपिटोप के बारे में समझे तो एपिटोप क्या होता है, एपिटोप एंटीजन के ऊपर वो साइट्स हैं, एंटीजन के ऊपर वो जगह है जो कि पर्टिकुलरली किसी एक एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है या फिर किसी टी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है। अब टी जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि टी सेल का जो रिसेप्टर होता है वो कभी भी एंटीजन को फ्री फॉर्म में नहीं पहचानता, वो हमेशा उसको पहचानेगा किस फॉर्म में, एमएचसी बाइंडेड फॉर्म में उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक, जब वो उसको एमएचसी बाइंडेड फॉर्म में रिकॉग्नाइज करेगा तो टीसीआर और एमएचसी का जो कॉम्प्लेक्स है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है या फिर कुछ टीसीआर जो होते हैं वो लिगेंड को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में बोले तो ये बोल सकते हैं एपिटोप्स किसी एंटीजन के वो साइट्स हैं जो कि एंटीबॉडी के द्वारा या फिर टी सेल रिसेप्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और ये एंटीबॉडी या फिर टी सेल रिसेप्टर इसी साइट पे जाके बाइंड होता है, उसे कहा जाएगा एपिटोप। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं? जी। तो समझो अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ ली है हम लोग, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक, तो हम लोग सबसे पहला चीज तो देखे कि इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी का मतलब है इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स की स्टडी करना। इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी का एक स्टेट है जो कि हमको इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद हमने हर्ड इम्यूनिटी पढ़ा। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग के पास इम्यूनिटी जनरेट हो जाए। जब बहुत सारे लोगों के पास इम्यूनिटी जनरेट हो गई है तो जिनके पास इम्यूनिटी जनरेट नहीं हुई है तो पॉपुलेशन में वो लोग भी इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्पेसिफिक सेल्स के द्वारा प्रदान की जाएगी। कौन से सेल्स? टी सेल्स के द्वारा प्रदान की जाएगी। वहीं पे जो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा प्रदान की जाएगी जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं और ये एंटीबॉडीज बी सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं। अब ये जो हमारे एंटीबॉडीज हैं वो बॉडी में पाए कहाँ जाते हैं, तो बॉडी में ब्लड का एक हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है सीरम। अब ब्लड में से जब हम लोग सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे तो जो बचा हुआ लिक्विड है वो कहलाता है सीरम। इसी सीरम में हमारा गामा ग्लोब्यूलिन या फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या कहलाएगा, हमारे लिए एंटीबॉडी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन एंटीबॉडीज के बारे में देखें तो एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं जिसमें दो हैवी चेन दो लाइट चेन है और ये एंटीजन के ऊपर किसी एक एपिटोप को रिकॉग्नाइज कर सकता है और उस एंटीजन को बॉडी से क्लियर कर सकता है। बी सेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी पाई जाती है जबकि जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं। उसके बाद एंटीजन कौन होते हैं, तो एंटीजन वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी या फिर टी सेल रिसेप्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। अगर ये एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं तो इन्हें इम्यूनोजन भी कहा जा सकता है। एंटीजन बड़ा सा स्ट्रक्चर हो सकता है, इस पूरे बड़े से स्ट्रक्चर को बॉडी में एंटीबॉडी के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। इस एपिटोप मतलब इस एंटीजन के ऊपर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर ही जाके हमारा एंटीबॉडी बाइंड कर सकता है और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, हमारे लिए एपिटोप्स कहलाएंगे।
ठीक, यहां तक चीजें हो गई। तो अब समझो जी इम्यूनिटी को फिर से क्लासिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, तो इम्यूनिटी को हमने फिर से दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक। चलो तो पहले हम लोग समझते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी किसको बोल रहे हैं और इसको कोरोना वायरस से रिलेट करते हैं, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? तो मान लो किसी एक इंडिविजुअल को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, या फिर उस इंडिविजुअल के अंदर हमने कोई एक वैक्सीन डाल दिया, तो जैसे ही उसके अंदर क्या होगा, या तो अब इसको कोरोना वायरस से रिलेट करते हैं, मान लो कि तुम किसी भी तरीके से कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आ गए और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया तुमको, ठीक। तुमको नहीं, मेरे को ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को हो गया, ठीक। तो जैसे ही मेरे को इन्फेक्शन हुआ तो मेरी बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले उस वायरस को रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ भाई ये तो मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, फॉरेन फॉरेन चीज है, मीन्स वो एंटीजन हो गया मेरे बॉडी के लिए। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी और दूसरे टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट हो जाएंगे। तो जब मेरी बॉडी अब मेरी बॉडी क्या करेगी, उस वायरस को मारना स्टार्ट करेगी। तो अब मेरी बॉडी क्या हो गई, इस वायरस के अगेंस्ट में क्या हो गई, इम्यूनाइज हो गई। तो ऐसी इम्यूनिटी जो कि नेचुरल इन्फेक्शन से या फिर वैक्सीन को बॉडी में जब हमने एडमिनिस्टर किया तो होस्ट में जो इम्यूनिटी जनरेट हुई उसे क्या कहा जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाएगा। समझ में आया? तो एक्टिव इम्यूनिटी जी क्या है, अपने खुद की इम्यूनिटी जनरेट करना ही क्या कहलाता है, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है, ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो सकती है, बॉडी में लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन दे सकती है। अब लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन कैसे दे सकती है, तो एक बार जब मुझे इन्फेक्शन हो गया है, मान लो कोरोना वायरस से मुझे इन्फेक्शन हुआ, तो मेरी बॉडी में जो क्या हो एंटीबॉडी बना, वो एंटीबॉडी को किसी बी सेल ने बनाया होगा, उसी बी सेल में से कुछ सेल्स को बचा के रख लिया जाएगा, किस तरीके से, मेमोरी सेल्स के रूप में। और ये मेमोरी सेल्स मेरी बॉडी के अंदर आराम से रहेंगे, हो सकता है जिंदगी भर रह सकते हैं, हो सकता है कुछ सालों तक रह सकते हैं, कुछ दशकों तक रह सकते हैं। और अगर फिर से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मुझे होगा तो ये मेमोरी सेल्स फिर से तुरंत एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगे और उस वायरस को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी मतलब हम अपने लिए खुद इम्यूनिटी जनरेट कर रहे हैं। वहीं पे अब नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है पैसिव इम्यूनिटी। अब इसका मतलब समझो, एक्टिव इम्यूनिटी मतलब हमने खुद इम्यूनिटी जनरेट किया था, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि इम्यूनिटी किसी दूसरे ने जनरेट किया, हम उसको यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, तो अब पहला एग्जांपल ही ले लो, मुझे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, जब इन्फेक्शन हुआ था तो मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। अब मान लो किसी दूसरे पेशेंट को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया कोविड का, ठीक। जैसे उसको इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर्स ने क्या किया, मेरा ब्लड लिया, मेरे ब्लड से एंटीबॉडीज आइसोलेट किए और उस इंडिविजुअल जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसमें ट्रांसफर कर दिया हमने। तो अब जो मेरे अंदर बना हुआ एंटीबॉडीज था, वो एंटीबॉडीज दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जाएगा और वो उस वायरस को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। इस टाइप का इम्यूनिटी जो है वो क्या कहलाता है, पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब, यहाँ पे हम लोग जो सीरम है जिसके अंदर एंटीबॉडीज है उसका इमरजेंसी यूज कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जगह पे हम लोग इसको यूज किए हुए हैं, जैसे कि जो स्नेक या फिर स्कॉर्पियन का वेनम होता है, सांप या फिर जो बिच्छू का जहर होता है, उसके अगेंस्ट में हम लोग पहले से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना के रख लेते हैं। जैसे ही सांप या फिर बिच्छू काटा, हॉस्पिटल जाओगे तो उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को क्या किया जाएगा, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा ताकि तुम्हारी बॉडी तुरंत इस वेनम को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। ये तो हमारे यूज का चीज हो गया, लेकिन ये नेचुरली भी देखने को मिलता है। कैसे नेचुरली देखने को मिल सकता है, तो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो क्या करते हैं, जब मिल्क फीड करते हैं तो मदर से जो मिल्क बेबी को मिलता है उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं,
ताकि बच्चे को क्या हो सके, इम्यूनिटी मिल सके। साथ ही साथ जब बच्चा वुम में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो मदर के अंदर के कुछ एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास जा सकते हैं और बच्चे को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ये भी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का ही एग्जाम्पल होता है। अब इट इज ए क्विक सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे बॉडी खुद का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रही है, हम इन्फेक्शन को तुरंत ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत इसकी ये है कि ये शॉर्ट लिविंग होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में तो हमने देखा कि हमारा बॉडी जब एक बार इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर लेगा तो वो लाइफ टाइम चल सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी दूसरे की बॉडी में कुछ दिन बाद डिग्रेड कर दिया जाएगा और ये कुछ टाइम तक ही काम करेगा। तो अभी के टाइम पे तुम लोग एक टर्म सुन रहे होगे, प्लाज्मा थेरेपी। जो प्लाज्मा थेरेपी है वो किस तरीके की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आगे चले। अब ये दो चीज हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब समझो दोनों चीजों को। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या समझ में आया हम लोगों को, कि एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी खुद क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, बॉडी खुद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। लेकिन ये एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो नेचुरल और दूसरा क्या हो सकता है, इंड्यूस्ड हो सकता है। नेचुरल कैसे, मुझे इन्फेक्शन हुआ, मेरी बॉडी ने क्या कर लिया, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर लिया। ये तो नेचुरल है कि अगर इन्वायरमेंट में कोई एक वायरस है तो वायरस मेरे अंदर आएगा और मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। लेकिन हम लोग इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम क्या करें, एक वैक्सीन दे दे मुझे, मान लो कोरोना वायरस का वैक्सीन आ गया और कोरोना वायरस का वैक्सीन मुझे दे दिया गया, तो उस वैक्सीन के अगेंस्ट में भी मेरे अंदर क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगा। अब ये नेचुरल तो नहीं है, हमने क्या किया है, वैक्सीन बनाया है और उस वैक्सीन को जब हमारे अंदर एडमिनिस्टर किया गया तब इम्यूनिटी जनरेट हुई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। वहीं पर जब पैसिव इम्यूनिटी को जब हमने देखा, तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, एंटीबॉडी के ट्रांसफर्स के द्वारा आता है। अब ये भी दो तरीके का हो सकता है, इंड्यूस्ड और नेचुरल। नेचुरल हमने देखा, मदर से फीटस में या तो प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर हो या फिर ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा मिले, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। या फिर हम लोग क्या करें, जैसे कि हॉर्स के अंदर या फिर रैट के अंदर या फिर किसी दूसरे एनिमल के अंदर हमने एंटीबॉडी बनाया और उस एंटीबॉडी को हम क्या कर दिया गया, दूसरे पेशेंट में दे दिया गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी कहा जाएगा। ठीक बात, चलो आगे चलते। अब आगे हम लोग देखते हैं और फिर से दो इम्यूनिटी को तीसरे तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक है इननेट इम्यूनिटी और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब इननेट का मतलब समझो क्या होता है, यहाँ पे जो इननेट लिखा हुआ है, इननेट का मतलब ये होता है कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमको बचपन से मिली हुई है, पैदा होने के साथ मिली हुई है, ऐसी इम्यूनिटी क्या कहलाएगी, इननेट इम्यूनिटी कहलाएगी। अब इननेट इम्यूनिटी में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो जो बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स और सेल्स हैं वो अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करें तो इसे क्या कहेंगे हम, इननेट इम्यूनिटी। तो इसमें हमारे जो बिल्ट इन मॉलिकुलर और सेलुलर मैकेनिज्म है वो काम करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, तो फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स हो सकते हैं, कुछ रिसेप्टर्स हो सकते हैं, कुछ सीरम में प्रेजेंट प्रोटीन्स हो सकते हैं। अब इसको आराम से समझते हैं इस डायग्राम के द्वारा, कि जो हमारी इननेट इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी को हमने क्या बोला था, ऐसी इम्यूनिटी जो हमको बर्थ से मिले, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। अब ये दो तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल होता है उसे फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस बोल सकते हैं। अब एक सिंपल सा चीज समझो, इसको याद कैसे रख सकते हैं कि इननेट इम्यूनिटी में आएगा क्या क्या चीज, तो सिंपल सा चीज समझो कि मुझे इन्फेक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि पैथोजन मेरी बॉडी के अंदर इंटर करे, हाँ कि नहीं। तो मेरी बॉडी के अंदर कोई एक पैथोजन इंटर कैसे कर सकता है, सबसे पहला बात
कि वो ये जो ऊपर में स्किन का लेयर है उसको पार करे, मीन्स जो स्किन है वो हमारे लिए क्या है, एक इननेट बैरियर की तरह काम करेगा। अब दूसरा रास्ता क्या है, अब स्किन है तो इसके थ्रू हमारे पैथोजन इंटर तो नहीं हो सकते हैं, तो अब दूसरा रास्ता देखो, जहां पे भी बॉडी में ओपनिंग है उस ओपनिंग के थ्रू क्या हो सकते हैं, पैथोजन अंदर की तरफ इंटर कर सकते हैं। अब सिंपल सा चीज समझो कि अब ये हो सकता है कि नोज के थ्रू क्या पैथोजन अंदर की तरफ इंटर होने की कोशिश करें, तो जब नोज के थ्रू जब पैथोजन इंटर करने की कोशिश करेगा तो नोज के अंदर हमारा म्यूकस है जो कि पैथोजन को ट्रैप कर सकता है। नोज में कुछ हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें नेजल हेयर्स कहा जाता है, वो भी पैथोजन से बचाता है हमको। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ सीलिया पाए जाते हैं जो कि पैथोजन को अंदर की तरफ आने नहीं देते हैं। ठीक, पहला बात समझ में आ गया। नेक्स्ट ये हो सकता है कि आई के थ्रू कोई एक पैथोजन इंटर करने की कोशिश करे, तो आई में क्या पाया जाता है, टीयर्स, और इन टीयर्स में एक एंजाइम पाया जाता है जिन्हें कहा जाता है लाइसोजाइम्स, और ये लाइसोजेंस क्या कर सकते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। हो सकता है कि ये जो पैथोजन है वो ईयर के थ्रू इंटर करने की कोशिश करे, तो ईयर के अंदर ईयर वैक्स पाया जाता है जिसको सेरुमेन भी कहा जाता है, वो भी क्या कर सकता है, पैथोजन से हमारी बॉडी को बचा सकता है। अब नोज के थ्रू इंटर करने की कोशिश करेगा तो म्यूकस, नेजल हेयर्स और सीलिया है वहां पे। आई के थ्रू इंटर करने की कोशिश किया तो आई में जो टीयर्स है वो उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। ईयर के थ्रू इंटर करने का कोशिश किया गया तो वहां पे ईयर वैक्स पाया जा सकता है। हो सकता है कि अब वो क्या कोशिश करे कि माउथ के थ्रू इंटर किया जाए, तो जैसे ही वो माउथ के थ्रू इंटर करेगा तो वो जाएगा कहाँ पे, स्टमक में, और हमको पता है स्टमक के अंदर पूरा का पूरा एचसीएल भरा हुआ है जिसको गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है, और एचसीएल की वजह से वहां का पीएच बहुत कम होता है, जहां पे जो बैक्टीरिया या फिर वायरस है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कहाँ से इंटर कर सकता है, स्किन के थ्रू जब इंटर करने की कोशिश करेगा तो स्किन के पास ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स हैं, सीबेसियस ग्लैंड कहा जाता है जिसे। ये क्या करेगा, बॉडी ये जो स्किन का जो पीएच है वो स्किन के पीएच को कम मेंटेन करके रखेगा। स्किन का पीएच जो होता है वो एसिडिक रेंज में होता है, हमेशा याद रखना। तो स्किन का पीएच कम मेंटेन करके रखा जाएगा ताकि पैथोजन स्किन के ऊपर भी ग्रो ना कर पाए। हो सकता है क्या, वो जेनो यूरेटर ट्रैक्ट से इंटर करने की कोशिश करे तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें कमेंशियल फ्लोरा कहा जाता है, वो भी क्या है, हमारे लिए इननेट इम्यूनिटी की तरह काम कर सकता है। अब ये तो हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस कि हम लोग पैथोजन को बॉडी के अंदर इंटर ही नहीं होने दे रहे, लेकिन मान लेते हैं कि गलती से कोई एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कट लग गया स्क्रीन स्किन पे, तो कोई एक पैथोजन गलती से इंटर हो गया है, तो जब इंटर हो गया है तो बॉडी के अंदर इंटरनल डिफेंस पाया जाता है जो कि सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस की तरह काम करता है। जैसे ही पैथोजन अंदर आया सबसे पहले उसको मिलेंगे फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स का काम क्या होता है, जो भी पैथोजन आएंगे उनका फेगोसाइटोसिस कर देना, उनको डिग्रेड कर देना। अब फेगोसाइट्स में क्या क्या हो सकते हैं, तो मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, WBC हो सकता है, WBC में भी कौन कौन, तो न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, मोनोसाइट्स हो सकते हैं, या फिर बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जनरेट कर दिया जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाएगा, बॉडी में इंटरफेरोन सिक्रीट कर दिए जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा ताकि अगर कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आ भी गया है तो उसे क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा जो भी बैरियर है ये क्या कहलाता है, इननेट बैरियर कहलाता है। तो ऐसा बैरियर जो हमको बचपन से मिला हुआ है वो इम्यूनिटी क्या कहलाएगी, इननेट इम्यूनिटी कहलाएगी। तो इसमें हम लोग क्या देख लिए, फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर में हम लोग स्किन देख लिए, म्यूकस देख लिए, ठीक है, केमिकल बैरियर देख लिए, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इंटरफेरॉन्स हो सकते हैं, कुछ रिसेप्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसको टॉल लाइक रिसेप्टर कहा जाता है। ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स भी क्या कर सकते हैं, पैथोजेंस को पहचान के उनको मार सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो सकते हैं, अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो सीरम में पाया जाता है, लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है,
अगर कोई एक पैथोजन बॉडी के अंदर आ जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद उस पैथोजन को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा उसको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये स्पेसिफिक नहीं होता है, इसीलिए एंटीजेंस के बीच में डिफरेंसेस को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। लेकिन ये सर किस में, फिर से बताइए सर, किस में वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है? एंटीजन के बीच के डिफरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। एंटीजन को तो रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसके बीच में डिफरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। इसको समझना है तो ऐसे समझो, जो तुम्हारा स्किन है, अब चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे वायरस आए, चाहे फंगस आए, चाहे कोई एक इंसेक्ट अंदर आने की कोशिश करे, स्किन क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। लेकिन स्किन को पता है क्या कि वायरस आ रहा है, कि बैक्टीरिया आ रहा है, कि फंगस आ रहा है, वो उसको पता नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, बस इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है कि कौन अंदर आ रहा है, ठीक है? इसीलिए जो स्किन का रिस्पॉन्स होता है वो उतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होगा, ठीक, प्रिमिटिव टाइप का होता है। लेकिन इसका फायदा है, क्या फायदा है, तो कोई भी पैथोजन जब अंदर आ रहा है तो उसको तुरंत क्विकली इलिमिनेट किया जा सकता है, फास्ट रिस्पॉन्स होता है इसका, जो भी टाइम लगने वाला होता है वो क्या होता है, बहुत कम लगता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इननेट इम्यूनिटी। अब इननेट इम्यूनिटी के बाद आते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी के ऊपर। एडाप्टिव इम्यूनिटी के ऊपर है, एडाप्टिव इम्यूनिटी को ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है, जब हमारे अंदर पैथोजन आ जाएगा तो जब हम उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके उसको मारेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। और ये एंटीजन स्पेसिफिक होता है, बी और टी सेल्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब इसको भी समझो यहाँ पे। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो कैसे काम करेगा, तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन आया, एंटीजन के आते के साथ ही सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे पहला जो सेल एक्टिवेट होगा वो एक्टिवेशन होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का। कैसे, समझो, मान लो मेरे बॉडी के अंदर कोई एक पैथोजन इंटर कर लिया है। पैथोजन जब भी मैं बोल रहा हूँ तो वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, निमेटोड्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो जैसे ही कोई एक एंटीजन मेरे अंदर आया, मेरे बॉडी में मैक्रोफेज पाए जाते हैं। मैक्रोफेज वो सेल्स हैं जो उस एंटीजन को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद उसको इनगल्फ करेंगे, इनगल्फ करने के बाद उसको डिग्रेड करेंगे, और डिग्रेड करने के बाद उसका जो कुछ टुकड़े हैं उसको क्या करेंगे, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट कर देंगे। तो ऐसा ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, एंटीजन प्रेजेंटेशन। मतलब एंटीजन को लिया गया, एंटीजन को डिग्रेड किया गया, डिग्रेड करने के बाद उसका कुछ हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट कर दिया गया, एंटीजन प्रेजेंटेशन। कौन कर सकता है, मैक्रोफेजेस कर सकते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स कर सकते हैं, और बी सेल्स भी जो हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक। अब एक बार जब ये हो गया कि हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, एंटीजन को पकड़ के प्रोसेस करके प्रेजेंट कर दिया, तो एक्टिवेट होते हैं टी सेल्स। अब टी सेल्स को देखो तो टी सेल्स कई प्रकार के हो सकते हैं। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हो सकते हैं, टी हेल्पर सेल्स हो सकते हैं, टी सप्रेसर सेल्स हो सकते हैं, टी मेमोरी सेल्स हो सकते हैं। ये टी सेल्स बॉडी के अलग अलग प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ बी सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं, और बी सेल्स में प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। टी सेल्स और बी सेल्स का जो काम है डिटेल में हम थर्ड वीडियो में देखेंगे, ठीक है? अब समझो इननेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है। तो इननेट इम्यूनिटी जो है हमारे पास पहले से है, तो जैसे ही पैथोजन आएगा उसके आने के कुछ ही मिनटों से घंटों के अंदर क्या हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया जाएगा। जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी में क्या करना है, हमको पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट करना है, बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करना है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना है, इसमें कुछ दिनों का समय लग सकता है, ठीक है? अब इसको समझो कि कोरोना वायरस से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग।
तो कोरोना वायरस के बारे में इतना तो पता होगा कि अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन या फिर कोई भी ड्रग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं वो पेशेंट ठीक ऐसे ही हो रहे हैं कि क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इस एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब एक बार क्या होगा कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस वायरस को बॉडी के अंदर ही खत्म कर सकते हैं सर, जो अगर इंसान। कोरोना म्यूटेंट होगा हाँ तो, अगर क्या, कोरोना वायरस म्यूटेंट होगा तो कोई अच्छा वायरस म्यूटेंट हो गया तो वायरस जब म्यूटेंट हुआ तो अब देखो वायरस बॉडी के अंदर तो म्यूटेंट नहीं हुआ है। या तो वायरस आएगा तो पहले से आए, मतलब जो वायरस आएगा हम उसी के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। अगर वायरस म्यूटेट हुआ तो हमको फिर से सेम काम करना पड़ेगा और उसमें फिर से हमको टाइम लगने वाला है। हम जनरेट कर लेंगे लेकिन हमको टाइम लगने वाला है। अब तो फिर क्वेश्चन ये आएगा कि लोग मर क्यों रहे हैं, तो लोग मर इसलिए रहे हैं क्योंकि जो कोरोना वायरस है जब बॉडी के अंदर जाता है, जाने के बाद वो क्या करता है, ACE2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। ACE2 रिसेप्टर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का काम होता है वहां पे जो भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं उनको डिग्रेड कर देना ताकि वहां पे इन्फ्लामेशन ना हो। लेकिन जब वायरस अंदर जा रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का काम नहीं कर पा रहा है, जब काम नहीं कर पा रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन की वजह से बहुत ज्यादा साइटोकाइन सिक्रीट हो रहे हैं वहां पे। साइटोकाइन्स की वजह से क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर वाटर भर जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया का मतलब ही होता है लंग्स के अंदर क्या हो जाना, वाटर भर जाना। और लंग्स के सेल्स क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहे हैं क्योंकि वायरस जो है वो लाइटिक साइकिल फॉलो कर रहा है। लाइटिक साइकिल जब फॉलो होता है तो जिस भी सेल को इन्फेक्ट किया जाता है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। तो लंग्स के इपिथीलियल सेल्स क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहे हैं, पहला बात। दूसरी बात, लंग्स के अंदर क्या हो जा रहा है, वाटर भर जा रहा है तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम। और रेस्पिरेशन में जब प्रॉब्लम होगा तो कुछ मिनटों या फिर कुछ घंटों के अंदर क्या हो सकता है, उस इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसी से बचने के लिए अभी वेंटिलेटर नाम का जो चीज सुने होगे तुम लोग, वेंटिलेटर का काम बस इतना सा होता है कि वो उस इंडिविजुअल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करे कि वो उतना दिन सरवाइव कर ले कि उसका बॉडी क्या कर सके, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। समझ में आया? कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो बस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जा रहा है। कोरोना पेशेंट, हाँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट में जो पेशेंट का कंडीशन इस टाइप का हो गया है कि वो खुद रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी एपिथीलियल सेल डैमेज हो गया है, एल्वियोलाई डैमेज हो गया है और उसके एल्वियोलाई में वाटर भर गया है, इसलिए तो उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सबको नहीं। क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस, केस को अगर देखो तो 80% ऑफ द केस माइल्ड है। माइल्ड का मतलब इसमें क्या, ओनली नॉर्मल सिम्टम रहेगा, सर्दी खांसी कफ, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होना मतलब फीवर। अब ये सब चीजें को अगर तुम देखो तो ये क्या हो सकता है कि कुछ दिन मतलब 14-15 दिन में तुमको सिम्टम दिखेगा और अगर तुम उसको सरवाइव कर लिए तो तुम्हारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर लेगी और वो उस वायरस को तुम्हारे बॉडी में मार दिया जाएगा। ठीक, यस अब ये हुआ तुम्हारा, तो इननेट इम्यूनिटी तुरंत चालू हो सकता है जबकि अडाप्टिव इम्यूनिटी को चालू होने में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर स्पेसिफिसिटी की बात करो तो हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे कि इननेट इम्यूनिटी की स्पेसिफिसिटी क्या है, बहुत लिमिटेड है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो अडाप्टिव इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अब डाइवर्स का मतलब क्या, कि मान लो तुम्हारे बॉडी के अंदर दो बैक्टीरिया आया, मान लो एक चिरिचिया कोलाई आया और दूसरा आया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, तो स्किन तो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये दो अलग अलग बैक्टीरिया है। लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर के जो बी और टी सेल्स हैं इन दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट में अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। इसको इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाती है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और इम्यून रिस्पॉन्स जब जैसे 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 आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वहां पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है।
इसको ऐसे समझा जा सकता है, और इसको रिलेट भी करता हूँ कोविड की टेस्टिंग से, ठीक है। तो क्या होता है, जब बॉडी के अंदर जब पहला इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो हमेशा याद रखना जो पहला एंटीबॉडी बनता है वो बनता है IgM, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, तो अब IgM की जगह जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगता है वो होता है IgG। अब एक और चीज तुम लोग सुने होगे, वो है रैपिड टेस्टिंग किट्स फॉर कोविड। अभी रैपिड टेस्टिंग किट्स क्या है, तो रैपिड टेस्टिंग किट में अगर देखे होगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होगे तो समझो क्या है। यहाँ पे रैपिड टेस्टिंग किट में ये है कि मान लेते हैं ये हो गया रैपिड टेस्टिंग किट, इसमें एक पेपर है बीच में, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको मान लीजिए पेपर है। इस पे हमने क्या किया, तीन पोजीशन लिया है। एक है कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब ये किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा है यहाँ पे हम लोग आई जी एम के अगेंस्ट में एंटीबॉडी को क्या करके रखे हैं, यहाँ पे चिपका के रखे हैं, कागज से चिपकाना है, जनरल टर्म बोल रहा हूँ मैं, अगर इसको साइंटिफिक टर्म में बोलूँ तो एड्सॉर्ब करके रखे हैं। तो यहाँ पे IgM के अगेंस्ट में क्या करके रखे हैं, हम एंटीबॉडी को एड्सॉर्ब करके रखे हुए हैं, और यहाँ पे IgG को एड्सॉर्ब करके रखे हुए हैं। अब इसका इससे हमको क्या पता चल सकता है, इससे ये पता चल सकता है कि जैसे ही हमने किसी एक कोविड, मान लो कि किसी एक इंसान को कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, हमने उसका ब्लड का सैंपल लिया और इसमें डाला। ब्लड का सैंपल हो सकता है चाहे नेजल मतलब नाक से, या फिर माउथ का जो सैंपल है उसको हमने इसमें डाला। अब क्या होगा, जैसे ही ये हम इसमें डालेंगे तो ये पूरा का पूरा कागज क्या करेगा, उसको एड्सॉर्ब करेगा। जैसे ही एड्सॉर्ब करेगा तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पूरे के पूरे जगह पे भीगेगा, और जैसे ही भीगेगा तो यहाँ पे एंटीबॉडी है एम वाला और यहाँ पे है जी वाला। मान लो किसी एक इंडिविजुअल में इन्फेक्शन अभी नया नया है, तो मैं क्या बोला, सबसे पहला एंटीबॉडी जो बनेगा वो किसके अगेंस्ट में बने, कौन सा एंटीबॉडी बनेगा, IgM बनेगा, हाँ कि नहीं। तो IgM वाला जो स्ट्रिप है इस पे क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। और अगर किसी एक इंडिविजुअल को पुराना इन्फेक्शन है तो IgG वाले जगह पे भी क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। अब इससे हमको फायदा क्या होगा, हमको ये पता चल जाएगा कि किसी एक पेशेंट का इन्फेक्शन अभी नया नया है कि बहुत पुराना हो गया, ठीक है। IgG दिखने का मतलब क्या है कि वो उस इन्फेक्शन को सरवाइव कर लिया है और वो उस पैथोजन को क्या कर चुका है, मार चुका है। तो जब हम लोग पॉपुलेशन में स्टडी करेंगे ना, अभी तक याद रखना कि पॉपुलेशन स्टडी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, जब हम पॉपुलेशन स्टडी करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये जो सेकेंड वाला बैंड है वो भी देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि बिना कोई सिम्टम दिखाए हुए भी कोरोना वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी जनरेट कर लिए होंगे, ठीक है। Yes, sir. अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स टू रिपीट इन्फेक्शन। रिपीट इन्फेक्शन का मतलब सेम उसी वायरस से फिर से इन्फेक्शन हुआ, सेम उसी वायरस से इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, हर बार स्किन उसी तरीके से काम करेगा जैसे करता है। लेकिन एडाप्टिव इम्यूनिटी में हमने देखा था कि मेमोरी सेल्स बनते हैं, और मेमोरी सेल्स जब भी बनेंगे तो अगली बार फिर से वही इन्फेक्शन हुआ तो हम बहुत तेजी से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर लेंगे, और बहुत तेजी से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद क्या कर पाएंगे, बहुत तेजी से उसको बॉडी से एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर इसके मेजर कंपोनेंट को देखें तो हम लोग अभी देख चुके हैं स्किन, फैगोसाइट्स, पैटर्न रिकॉग्निशन वाले मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी में बी और टी सेल्स हो सकते हैं, एंटीबॉडीज हो सकते हैं, ETC, ठीक। तो ये तीसरे तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया। पहला हम लोग पढ़े थे सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दूसरा पढ़ लिए हम लोग इननेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी, साथ ही साथ बीच में कहीं पे पढ़े थे हम लोग एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक। ये इम्यूनिटी को तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर लिए। अब अभी तुरंत हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो एक्वायर्ड या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी होता है इसमें मेमोरी सेल्स बनते हैं। अब इन मेमोरी सेल बनने का फायदा क्या होता है, तो जब भी कोई एक इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन के लिए क्या जनरेट कर लेती है, मेमोरी जनरेट कर लेती है। और जब मेमोरी जनरेट कर लिया जाता है तो अगली बार फिर से वही इन्फेक्शन होगा
तो बॉडी बहुत तेजी से उस इन्फेक्शन को क्या कर सकती है, निकाल सकती है बॉडी से। इस चीज को ऐसे समझना है हम लोगों को। मान लो कि हमको इन्फेक्शन हुआ है, फर्स्ट टाइम किसी एक वायरस का इन्फेक्शन हुआ। जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ तो पहली बार जब एक वायरस बॉडी के अंदर आएगा तो रिस्पॉन्स जो है एकदम पूरा नए तरीके से स्टार्ट होगा। नए तरीके से मत बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही वायरस अंदर आया, फैगोसाइट ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको डिग्रेड किया गया, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट किया गया, प्रेजेंट करने के बाद बी और टी सेल्स को एक्टिवेट किया गया, बी और टी सेल्स को एक्टिवेट करने के बाद एंटीबॉडीज बने, टी सेल रिसेप्टर्स बने। तो ये जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब पहली बार इन्फेक्शन के अगेंस्ट में कोई एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, ठीक है। इसमें हम लिम्फोसाइट्स बनाते हैं ताकि इन्फेक्शन को क्या किया जा सके, मारा जा सके, ठीक है। लेकिन जब पहली बार इन्फेक्शन हुआ था तो उसी टाइम हमने क्या कर लिया, कुछ सेल्स को बचा के रख लिया था। उन सेल्स को क्या कहा जाएगा, मेमोरी सेल्स कहा जाएगा। और ये मेमोरी सेल्स क्या कर रहे, मेमोरी सेल्स वो पहले पहले जो बी सेल्स और टी सेल्स बने थे ना, उन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान बने थे, और दूसरी बार अगर इन्फेक्शन हुआ तो वही बी और टी सेल्स फिर से क्या होंगे, फाइट करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास जब पहले से बी और टी सेल्स हैं तो पैथोजन को मारने में लगने वाला जो टाइम है वो क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला है। और इस दौरान जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसे क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहा जाएगा। इतना तक समझ में आ गया जी सर। अब जी सर, अब समझो आगे। आगे क्या है, ये जो हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर मेमोरी सेल्स है, इसका यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए, जिसके बारे में अभी तुम लोग बहुत तेजी से इंतजार कर रहे हो कि कोरोना वायरस का वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए। तो वैक्सीन एक बार आ गया तो वैक्सीन देने का फायदा क्या होगा कि जैसे ही मैंने बॉडी के अंदर वैक्सीन लिया तो मेरी बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी उस वैक्सीन के अगेंस्ट में। 14-15 दिन में क्या हो जाएगा, मेरे अंदर एकदम पूरा फुल इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगा इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। अब मैं बाहर भी घूमूं और बाहर में मेरे बगल में 10 लोग कोरोना वाले भी हैं, तो वो लोग जब मेरे को वायरस देंगे तो मेरे अंदर तो पहले से सेल्स प्रेजेंट है, और मेरे पास पहले से जब सेल्स प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा, तुरंत हथियार उठाऊंगा और वायरस को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। तो अब मेरे को फिर से इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। इसीलिए हम लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ग्राफ है, उसको ग्राफ को समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, एक्स एक्सिस में हम लोग डे देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कि टाइम कितना लग रहा है किसी एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में, और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड कितना। मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब इम्यून रिस्पॉन्स कितनी तेजी से काम कर रहा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है। अब मान लो कि ये है कोई एक पैथोजन, हाँ कोई बोला क्या कुछ, अब समझो। मान लो कि ये कोई एक पैथोजन है ए, ए पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी में। जीरो का मतलब क्या है कि आज ही इन्फेक्शन हुआ है। जब आज ही इन्फेक्शन हुआ है तो जो हमारी इननेट इम्यूनिटी है वो काम करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि तुरंत इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले जो इम्यूनिटी काम करती है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी कुछ क्या करेगी, कुछ दिन तक प्रोटेक्ट करके रखेगी। लेकिन जैसे ही कुछ दिन हो जाएगा, देखो लगभग 7 दिन हो गया, यहाँ पे 7 दिन के अंदर हमारा जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है, ये जो येलो कलर से जिसको मैं बना रहा हूँ, मान लेते हैं ये एडाप्टिव इम्यूनिटी है, और ये एडाप्टिव इम्यूनिटी धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और 14वें दिन तक मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी। 14 से 15 दिन लगते हैं मैक्सिमम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, कोरोना वायरस से इसको रिलेट करते हैं। मान लो मुझे, मैं अगर मान लो कि आज मैं बाहर गया घूमने बिना मास्क के और मुझे वायरस का इन्फेक्शन हुआ, तो आज मेरे लिए कौन सा डे हो जाएगा, जीरोथ डे हो जाएगा। अब जब वायरस अंदर आना चाहेगा तो एक ही रास्ता है, या तो वो नोज के थ्रू आ सकता है या तो माउथ के थ्रू आ सकता है, ठीक है। तो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैं क्या बोला, जब नोज के थ्रू आने की कोशिश करेगा तो नोज में म्यूकस है,
नोज में हेयर्स हैं, नोज में सेल्स हैं जिनके ऊपर सीलिया पाया जाता है, उस वायरस को क्या करने की कोशिश करेगा, क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो ये जो पिंक कलर वाला रिस्पॉन्स है, इट इज हमारा इननेट रिस्पॉन्स, समझ में आया। लेकिन अब जब मेरे को इन्फेक्शन हो गया मान लो, ठीक है, तो इननेट रिस्पॉन्स कितना काम कर लेगा, जितना उसको काम करना था उतना कर लिया उसने। लेकिन जब मैं इन्फेक्शन में सर्वाइव कर रहा हूँ, अभी भी सर्वाइव कर रहा हूँ, प्रोटीन रिच डाइट है मेरा, डाइट अच्छा खासा है, एक्सरसाइज चल रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि मेरी बॉडी क्या करना स्टार्ट करेगी, उस वायरस से लड़ना स्टार्ट करेगी। और धीरे धीरे क्या होगा कि उस वायरस से लड़ते लड़ते इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और 14 से 15 दिन में मेरी बॉडी क्या कर लेगी, उसके अगेंस्ट में IgM प्रोड्यूस कर देगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? IgM मतलब कि एक एंटीबॉडी जो कि M टाइप का है। जब एक बार IgM बन गया तो अब मैं क्या करना स्टार्ट करूंगा, उस वायरस को मारना स्टार्ट करूंगा, और जैसे जैसे वायरस कम होगा वैसे वैसे मेरा इम्यून रिस्पॉन्स भी क्या होते जाएगा, धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। लेकिन उनमें से कुछ सेल्स को क्या कर लूंगा, मैं बचा लूंगा। अब मान लो फिर से मैं बाहर गया, और बाहर जाने के बाद फिर से मुझे इसी एंटीजन का इन्फेक्शन हुआ, तो अब इननेट रिस्पॉन्स को तो जितना काम करना है वो उतना ही काम करेगा जितना वो प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे काम किया। लेकिन फिर से मेरे अंदर रिस्पॉन्स मतलब वही एंटीजन आया है, तो अब मैं क्या करूंगा, तुरंत उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दूंगा, और ये इम्यून रिस्पॉन्स पहले वाले रिस्पॉन्स की तुलना में, देखो पहले वाला रिस्पॉन्स इतना था, उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट करूंगा, और कुछ ही दिनों के अंदर क्या कर दूंगा, मैं उस वायरस को क्लियर कर दूंगा। देखो अब यहाँ पे इतना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में 14 दिन लगा था, जबकि वहीं पे इतना ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में, थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए इसको, देख इतने ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में मेरे को यहाँ पे 0 से लेकर 3 से 4 दिन लग रहा है, हाँ कि नहीं, जबकि यहाँ पे मेरे को उतने ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में 14 दिन लगा था। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में पहला बात तो यह होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स बहुत जल्दी जनरेट होता है, और पहले रिस्पॉन्स की तुलना में बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेट होता है, और यहाँ पे जो बनने वाला एंटीबॉडी होता है वो IgM की जगह पे क्या होता है, IgG होता है, समझ में आया। अब इससे क्या होगा कि मैं बहुत जल्दी उस वायरस को क्या कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, डन। इतना चीज समझ में जब आ गया तो इम्यूनिटी का बहुत सारा बेसिक टर्म तुम लोग समझ चुके हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते समझेंगे, और कुछ कुछ टर्म जो बार बार रिपीट होगा उसके बारे में समझ लेते हैं, कौन कौन से टर्म रिपीट होंगे बार बार। तो पहला चीज जो रिपीट होगा वो है एलर्जी, एलर्जी जिसे हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। अब एलर्जी किसे कहा जाता है ये समझो, बोलते हो ना कि मेरे को इस चीज से एलर्जी है, उस चीज से एलर्जी, तो एलर्जी का मतलब क्या है कि कोई एक फॉरेन एंटीजन है, बहुत कॉमन सा बोलने का मतलब, ये कोई एक पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन मतलब किसी एक फ्लावर का जो पॉलन होता है उस पॉलन, अब ये पॉलन तो एक नॉर्मल सा वो चीज हो गया एंटीजन, अब नॉर्मल से एंटीजन के अगेंस्ट में हमको क्या करना चाहिए, नॉर्मल सा रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए था। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो इसे ही कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जी, समझ में आया। अब ये एलर्जी या तो पोलन के अगेंस्ट हो सकता है, या तो डस्ट के अगेंस्ट हो सकता है, या किसी एक पैथोजन के अगेंस्ट में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म पढ़ेंगे हम लोग वो टर्म होगा ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो, ऑटो का मतलब खुद, इम्यूनिटी का मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट, मतलब अगर बॉडी खुद के सेल्स के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लग जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑटो इम्यूनिटी कहा जाएगा, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म यूज होगा वो होगा इम्यूनो डेफिशियंसी, इम्यूनो डेफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि जितना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए उतना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पा रहा, ठीक। और लास्ट जो टर्म आता है वो आता है इम्यून इम्बैलेंस, अब इम्बैलेंस का मतलब जितना रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए उससे कम भी जनरेट हो सकता है या तो उससे
ज्यादा भी रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है। अब कम भी दिक्कत की बात है और ज्यादा भी दिक्कत की बात है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। जो कल का क्लास होगा, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं, दूसरी बात हम पढ़ेंगे हिमेटोपोएसिस का प्रोसेस क्या होता है, और हिमेटोपोएसिस से कितने अलग अलग टाइप के सेल्स बनेंगे, बस इतना सा चीज कल पढ़ेंगे। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होगा वो ये होगा कि हम लोग हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को आइसोलेट कैसे करेंगे, जो रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू। अब अपना माइक ऑन कर